जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव मानपुर पट्टी को जाने वाला रास्ता काफी समय से तालाब की तरह बना हुआ है। जिस रास्ते पर 4 से 5 हजार की आबादी वाला रोड काफी समय से खराब पड़ा है, जिस पर अभी तक किसी नेता या किसी अधिकारी का आना जाना नहीं हुआ है, इसलिए शायद वो रोड पर किसी को नजर नहीं पड़ी है या फिर देख कर भी अनजान बने हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि नेतागण गाँव के अंदर आकर अपनी रोटी सेक कर चले जाते हैं और गाँव वालों को इसी तरह से कीचड़ में होकर निकलना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि रास्ता सही होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर 4-5 गांव पड़ते हैं और ये निकलने वाले तो हैं ही, अब निकल कर तो आ ही रहे हैं रास्ते में। आदमी तो ज़्यादातर आते ही हैं, जब गांव हैं पीछे तो वो तो लिख रहेंगे रास्ता यही है। अच्छा, क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी आपके सामने है तो ये कीचड़ निकलने वालों को गिरते हैं, बच्चे गिरते भी हैं इसमें और खुद भी गिर जाते हैं, पैदल निकलने वाले गिर जाते हैं, गाड़ी तो गाड़ी। कितनी आबादी होगी लगभग? लगभग होगी करीबन 5-6 हजार आदमी तो। अच्छा, कितने बीच का रास्ता खराब होगा? 100 मीटर ही या ज़्यादा आई? करीबन 100 से भी ज़्यादा बैठेगा, पूरा यहाँ से ले गए रास्ता खराब ही है, पूरा गांव निकल जाता, पार हो जाता। मेरे यहाँ बहुत दिक्कतें हैं मेन रास्ते की। छोटी जो गलियाँ हैं, 7 गाँव गमटा लगते हैं, मुझे 7 गमटा में गलियन में सारा काम करा चुको। जो मेन हाईवे से जो रास्ता आ रही है धतुर्रा मेवा नंगला होते हुए नब्बा नंगला मानपुर पट्टी में निकलती है, जो लास्ट का गांव है बॉर्डर का, इतनी रास्ता ख़राब है कर ना तो निकला जाता ना गाड़ी, बहुत ही दिक्कत आ रही है। स्कूल जो बच्चे जाते हैं रपट रपट के गिर जाते हैं, उनके मतलब ये कपड़े सन जाते हैं, इतनी समस्या है कि मैं अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारी यहाँ मदद हो जाए तो ये मेन रास्ता हमारी सही हो जाए। अच्छा, उस रास्ते पर कितने कौन कौन से गांव पड़ते हैं, क्या नाम है उनके? धतुर्रा मेवा नंगला मानपुर पट्टी मणिया घेर, मतलब 8-10 गमटा पड़ते हैं, जिसमें कि हमारे ग्राम पंचायत की 4-5 हजार की आबादी है, वह आबादी उसी में को निकलती है। बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत है, और स्कूल के बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत है। वो तो आज लॉकडाउन जो चल रहा है इसके वजह से बच्चे ना जा पा रहे हैं स्कूल में, और न तो बहुत ही